देखो कितने बच्चे आ रहे हैं, ये सब नॉट ये सभी बच्चे जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब नॉट क्वालिफाइड वाले आ रहे हैं। हमारा ट्रेड टेस्ट हुआ, हमें 2:30 बजे बुलाया सर, तो उसके बाद सर हमें बोला था कि थोड़ा सामान घर से ले आना, तो हमें जो डिश आती थी हमने वो बनाई, तो सर बाद में जो थोड़े बच्चे थे तो उनको लिया, हमें बाहर निकाल दिया, हम पूरा 2.5 घंटे उधर रहे। सामान सर ये देख लो, ये पूरा बैग भर के सामान लाए हैं सर। सर कल हमसे बोला गया था कि आप जो अभी हमें बनाना चाहते हो आप खिला सकते हो, हम और आपका खाना हमें टेस्ट आया पसंद आया तो हम आपको देंगे। ये सर हम कल के सामान खरीद के घर खुद का सामान खरीदा हुआ है, इन्हें बोला कि आप खुद का सामान भी जो आपको बनाना सिखा बनाना चाहते हो आप टेस्ट कराने बोल रहे थे, ये देखिए हम खुद का कल का सामान खरीद के आए बैठे हुए हैं कि लाएंगे हम खुद बना के खिला देते। ट्रेड टेस्ट हो रहा तो फिर क्यों नहीं आ रहा सर, यही तो कारण है कि फिर बंदे बच्चे यार बोलते हैं बढ़ रहे क्यों नहीं बढ़ेगा, जब खुद ये ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम मजबूर होकर करें क्या, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हम क्या सर, खाना अगर बोल रहे हैं टेस्ट पास करें जितने सिलेक्शन उस बेबस पे बंदे तो लेना पूरे, अगर 26 सिलेक्ट हैं तो 26 पे दुगना, तो उनकी जब नोटिफिकेशन है उस पे है ना कि दुगना सिलेक्ट मेडिकल के लिए जितनी पोस्ट हैं उसे दुगने बंदे सिलेक्ट होने चाहिए मेडिकल, उतने तो ले रहे भी नहीं है सर ये, और धमकी देते हैं कि हमारी पोस्टें खाली रहेंगी तो रहने दो बट हम नहीं करेंगे सिलेक्शन। सर अभी मैं अंदर से आया तो 26 के 26 बच्चे ही हैं पूरे, और कल मेडिकल में भी छटेंगे, बल्कि नोटिफिकेशन में है कि दुगने बच्चे लेने हैं, दुगने तो लिए नहीं सर, हम कहाँ जाएंगे सर, बेरोजगारी तो बढ़ेगी सर। अफसर ने बोला तू आटा गुनो, हाँ आटा गुनो की बात दिखाया उन्हें, उन्हें फुल्का बनाया, फुल्का बनाई के दसो गोल फुल्का पूरा प्रॉपर गोल करके बनाया, फुल्का फुला भी बगैर के दिखाया, एंड फाइनल सानू पूरा सुबह रैली की शाम तक बिठाया गया, एंड बिच उन बंदे की सिलेक्ट करा दे जिन्हें बंदे सिर्फ साढ़े को टेस्ट होता, कई बंदे की सिंपल अगर डायरेक्ट बंदे की पूछा गया कि तू क्या था दूर तू के लाने आता आंदा, बंदे के सामने अफसर से सारे हमने बोला दे कि सब बच्चे ने सामने बोला दे कि जाओ ऐसा हिसाब की बोलो कि इसी सीधा सिलेक्शन लिस्ट पाया गया, पर अहीं जेडे बंदे सवेरे सवेरे इन्ने बैठदे साढ़ा कोई नहीं, बंदे साढ़े कन्नै बंदे सिर्फ पिंडियां कट्टा दे, केइयें पिंडियां कट्टियां केइयें सिर्फ पट्टा कट्टेगा, उन्हें सिलेक्ट किया गया, पर जिन्हें फुल ट्रेड टेस्ट दे रहे क्या उन्हें साढ़ा कोई आखने बनता कि साढ़े बने। मेरी भर्ती थी CRPF ट्रेडमैन की सर, ये कौन सा अपना रूल बना रहे हैं, ये कौन सा अपना रूल बना रहे हैं कि हमने शक्लें देख कर क्या बोलते हैं बच्चे को रिक्रूट करना है। उन्होंने रीजन पूछा गया कि सारे क्या बाहर कटिया गया, तो कहते हैं साढ़े को पावर है अं अपनी पावर जो मर्जी फायदा ले सकते हैं, ये चीज़ एक कुछ रूल सर पावर पावर है ट्रेड टेस्ट है, फिर हर बोलते कि सही शक्लें देखिए सिलेक्ट करनी, शक्लें देखिए सिलेक्ट करनी, तो फिर फिजिकल किधर ना होते फेस पर देखो ऑनलाइन देखो जिसमें फॉर्म पर आते हैं बच्चे दिखो शक्ल होती हैं जिंदी तुम शक्ल पसंद आ रही उन्हें सदो ना अगर फिर अं कि सदते थे, और इो जी पार्शैलिटी करनी है बंदे की सामने सामने साढ़े को बंदा ना लेके बोला दे अच्छा तू आना चल इसे सिलेक्ट करो, बंदे ने कई ना कि सिर्फ दस एक ने बंदे ने सिर्फ ये दसा मैं अरे तुम मैं बाहर कट देंगे तुम क्या मिकी रोन साढ़े पर रोन पिटन करोगे सर करेंगे अह कि करके दिख करोगे सानू करके दसो, उस बंदे ने सिर्फ रोन पिटन करके दसा उन्होंने फिर सिलेक्ट कर लिता, एक सर ट्रेड टेस्ट हो रहा कि आ दे 11 तरीक दे इतने अपने टेस्ट देने जा दे सर, अज 3 दिन हो गए इतने आए 3 दिन तक कर दो अपने इतने बाहर रहने, और फाइनल च इो चीज़ करनी है कि हाँ शक्ल दिखिए सिलेक्ट करना, तो फिर आना किसी है टेस्ट किस देने फॉर्म कि वास्ते लाने बाकी स्टेट से भी तो आई है ना सर, अफसर खुद आपे बोला था कि अहें शक्ल दिखिए मैच सिलेक्ट करने और ये बाकी स्टेट भी तो ना और पोस्टा 26 पोस्टा सारी टोटल न 26 पोस्टा पर ऐड बनता कि दुगना सिलेक्ट किया जाए ताकि बंदा मेडिकल च निकले मेडिकल च बाहर हो जाता तो बाकी फाइनल मेरिट चाहिए बने जाएगा, पर एक कुछ तक जाते नहीं 10-15 सिलेक्ट जिनी पोस्ट है पोस्ट बोलते कि खाली जंगी जान देनी है बट अहें सिलेक्ट नहीं करने, एक कौन सा रूल है बाकी स्टेटा बच्चे भी तो यार 10 पोस्ट है उत्थे भी तो 30-40 सिलेक्ट करा दे फाइनल मैरिट से जहाँ चुका आउट होता वो अपने पर होना ना कि अहें एग्जाम जिन्ना दिता था वो मैरिट पर अं बाहर निकले न, बट ये कहता हिसाब है कि अहें शक्ल दिखिए सिलेक्ट करने क्या हुआ है सर, उन्होंने हमें आगे से बोला कि मेरी मर्जी ये क्या बात होती है सर, हमारी बात भी नहीं सुनी उन्होंने, ऊपर से इवन एक बंदा हमें बोल रहा है कि अगर हम 100 बंदे आ गए तुम क्या कर लोगे वहाँ पे, ये हमें अपनी पोस्ट का फायदा दिखा रहे हैं अंदर कह रहे क्या सर, ये अपनी ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं सिर्फ, ये अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, एज ए हमें ये कह रहे हैं कि आप हमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास यूनिट है हमारी, हम आपको डंडे मार के निकाल देंगे, आप क्या कर लोगे यहाँ पे, हमने तो बस ये पूछा कि अगर हम निकाल रहे हो एटलीस्ट हमें नंबर दिखाओ हमारे रिजल्ट दिखाओ कि क्यों निकाला जा रहा है हमें, पर ये हमें आगे से तब भी डरा रहे हैं कि हम आपको मारेंगे ये करेंगे निकाल देंगे। भैया मेरा नाम राजन सिंह है और मेरी भर्ती थी CRPF ट्रेडमैन की, मेरी भर्ती थी CRPF ट्रेडमैन की सर, सर गल ये हुई कि मैं इधर ट्रेड टेस्ट की मेरी भर्ती ही सर, इधर अंदर जो अफसर अपनी मनमानियाँ करा दे सर, जो मतलब ताना डिक्टेटरशिप करा दे सर एक किस्म की है, इधर मैं ट्रेड टेस्ट होए साढ़े मेरे कन्नै जिन्ने मुड़े हैं सर, सारा ट्रेड टेस्ट होया
उसलै सर ने सानू बोला कि जो भी कुछ है मतलब कि असें बोला कि करेला कट्टना, करेला असें बोला गया कि जेड़ा करेला है करेला उसी मतलब उपरा कट्टियै ते जेड़े भरियै बनांदे करेला ओह् असें तुसें कट्टियै दस्सना भी कि'यां कट्टदे। अग्गें असें कोई टास्क नहीं दित्ता कि तुसें बिच्च भरियै पाना जां कुछ करना। मेरे कन्नै छे मुड़े चीज बोली ते मैं मतलब कि मैं कट्टियै भी दस्सेआ, सब कुछ करियै दस्सेआ उन्हें। उन्हें अग्गें कुछ नहीं बोलेआ, उन्हें बोला कोई नहीं बेटा जाओ। ते मैं अस चली गे सारे जने। फिर उन्हें केह् नाम है जेह्ड़ा उद इंदा जेह्ड़ा सीनियर ऑफिसर है उन्हें मतलब जिन्ने भी बच्चे 80 मुड़े जेह्ड़े सर साढ़े फिजिकल आस्तै मतलब कि 80 मुड़े जेह्ड़े साढ़े फिजिकल टेस्ट होया, साढ़ा एस्ट चैट सब कुछ होया, 80 मुड़े जेह्ड़े साढ़े सिलेक्ट होए। ओह्दे बाद ट्रेड टेस्ट होया, ट्रेड टेस्ट बिच्च जल्ला होया और जो जेह्ड़ा ऑफिसर हा जेह्ड़ा साढ़ा ट्रेड टेस्ट लिया था सर उन्हें क्या बोलिया, उन्हें सीधा शक्ल जब बोलिया कि भैया मैं जो मैं क्या बोलते हैं सिलेक्शन करूँगा, मैं आपकी फेस देख के सिलेक्शन करूँगा। ये कौन सा रूल है सर? रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जब सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर जब ये भर्ती आती है पूरे रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं उसमें कि सबसे पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, PST से लेके मेडिकल से लेके फाइनल लिस्ट तक वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। ये कौन सा अपना रूल बना रहे हैं, ये कौन सा अपना रूल बना रहे हैं कि हमें शक्लें देकर क्या बोलते हैं बच्चे को रिक्रूट करना है। कितने लड़के आए हुए थे सर? हमारे जो ग्रुप में थे 80 लड़के थे, 80 लड़कों में से इन्होंने 69 बच्चे जो हैं फेल कर दिए और 11 बच्चे सीधा बोल दिया उनको। एक लड़के को तो सामने बोल दिया कि तेरे को तंदूर बनाना आता है, कोई उसका ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधा उनको ऑफिसर को जो क्लर्क थे उन्होंने सीधा बोला कि भैया इसको सिलेक्षन लिस्ट में डालो। करके इनका कोई ना कोई षड्यंत्र है अंदर से, कुछ ना कुछ इनका मेरे को लगता है सर रिश्वत वाला काम लग रहा है मुझे। करप्टेड है ये सारे के सारे। वैकेंसीज 26 हैं, 10 बच्चे भी नहीं पास कर रहे हैं। कौन सा ये जस्टिस हमारे साथ ये जस्टिस हो रहा है? 26 वैकेंसीज हैं सर। मैं 11 तारीख का यहाँ स्टे कर रहा हूँ। तीन दिनों कितना खर्चा हो रहा है सर? रोज़ अप डाउन करना पड़ता है। सांबा डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ, रोज़ अप डाउन करना पड़ता है। यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं किराए पर कमरे लिया हुआ है, मतलब बाद में हमने किराए पर कमरा ले लिया कि हम रोज़ अप डाउन करते हैं। तो इन्होंने सर ये बाद में बोलने लगे जाओ जो कर लो, जो मर्जी कर लो, हमने कर लिया जो करना है। तो अभी आप क्या मांग करते हैं सर? हम यही मांग करते हैं कि जो हमारे साथ उन्होंने जो कर लिया हम चाहते हैं, हम प्रशासन से अथॉरिटी से ये अपील करना चाहते हैं कि आगे से लेके ऐसा कुछ नहीं हो, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से हमारे बच्चे लगा कर आए थे आपकी। जी सर, कितनी उम्मीदें लगा कर आए सर? हम इतनी उम्मीदें, ये हमारी लास्ट भर्ती है, ये मेरी लास्ट भर्ती है और हम इतनी उम्मीदें लगा के आए थे कि हमारी ये लास्ट भर्ती है। हमारे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे और हमने अच्छा अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, फिजिकल एंडोरेंट टेस्ट पास किया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास किया हमने। जब हमारा ट्रेड टेस्ट की बात आई, हमने इन्होंने जैसे हमको बोला हमने वैसे किया और बाद में हमने इन्होंने गिन चुन के बच्चे ले लिए। यार ये कौन सा रूल है? जो बोला वो करते हैं, जो मन करते हैं वो करते हैं। लास्ट में मेरे को ऐसे इनको बोला कि सर हमको एक रीज़न चाहिए, इन्होंने रीज़न भी नहीं लिया, लिखा हुआ सीधा नॉट क्वालिफाइड कर दिया। मेरा सुरेंद्र कुमार नाम है, मैं बनी बसोली से आया हूँ। मैं 10 तारीख से घर से आया हुआ हूँ। मैं मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया हुआ था, यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई किया मैंने, PST क्वालिफाई किया, लेकिन ट्रेड टेस्ट में जो उन्होंने बोला वो हमने किया, लेकिन उसको करने के बावजूद भी उन्होंने हमें चपाती बनाने के लिए बोला, हमने चपाती बनाई, उनको बताई, उन्होंने बोला ठीक है, फिर भी उन्होंने हमको बाद में निकाल दिया। हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिले। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं भी बनी बसोली के इलाके एक दौले माता के नाम से जाना जाता है, मैं वहाँ से आता हूँ। तो अभी मैं 11 तारीख को इधर आया था, तो 11 तारीख से हम यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर से कोई भी आता है तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद लेके आता है कि हमारी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे साथ कोई जस्टिस हो रहा है, अंदर का पूरी धांधली चल रही है, क्योंकि एक लड़का हमारे वो लेट एंट्री आई थी उसकी, तो डायरेक्ट उसको ना कुछ किया, उसको डायरेक्ट बोल दिया कि सरफराज अहमद है उसका नाम, तो उसको डायरेक्ट बोल दिया कि लिस्ट में नाम, वो सिलेक्शन लिस्ट के लिए नाम दे दो उसका।
वो पता नहीं सर, वो जो इंचार्ज है उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि इसको सिलेक्शन लिस्ट में डाल दो। मैंने चुन लिया क्योंकि सिर्फ उसे यही पूछा कि तंदूर बनाना आता है, तंदूर हमें बनाना चाहता है सर। मैं 2 साल से तहसीलदार साहब का खाना बना रहा हूँ, जब उसको कुछ भी नहीं आता। 2 साल से हम वैसे ही बैठे हैं क्या? कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, बेशक घर का खाना बना रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस है। तो प्रशासन से यही अपील करता हूँ सर कि अभी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन आगे से जो भी भर्तियाँ आ रही है उसमें जस्टिस होना चाहिए सभी लड़कों के साथ। ये तो जो कि जिस लड़कों की एज हो गई है वो आगे क्या करेगा, तो जिसकी नहीं है वो तो देख सकता है भर्ती। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी एज भी है, यही जनरल में 23 रखी हुई है, 23 कंप्लीट होने जा रहा है। तो मुझे अपील करता हूँ कि आगे से ये जस्टिस हो हर लड़के के साथ।